है कि सीनियर डॉक्टर की प्रताड़ना से तंग आकर उसने ये कदम उठाया। केजीएमयू में महिला डॉक्टर की मौत मिस्ट्री, महिला डॉक्टर ने क्यों की आत्महत्या, सीनियर डॉक्टर पर गंभीर आरोप। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू की एक महिला जूनियर डॉक्टर मनीषा ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद उसे तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। घंटों तक डॉक्टर उसकी जान बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आखिरकार निराशा ही उनके हाथ लगी और महिला डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। FIR तहरीर दी थी ताकि कोई उचित कार्रवाई हो, पता चले कि क्या हुआ है। अब आप क्या मतलब किसी को बदनाम करने का कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है। जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर से परेशान थी। आरोप है कि सीनियर डॉक्टर उससे अश्लील बातें करता था और विरोध करने पर धमकियां देता था, जिससे तंगा कर उसने अपनी जान दे दी। परिजनों ने इस मामले में मुख्यमंत्री से मामले को संज्ञान लेने की अपील की है। तो थे नहीं ले, मेरे को जो सूचना मिली कि आपकी लड़की के साथ कोई यूरोलॉजी का JR3 कुछ मिसबिहेव किया, प्रेजुडिस हो करके उसने कोई जहरीला इंजेक्शन लगा लिया, वहाँ तक भेजा। बेटी ने कभी ऐसी बात बताई होगी? कोई बताती तो ये नंबर ही क्यों आता। मामले में जूनियर डॉक्टर की बहन दीपा शर्मा की तहरीर पर FIR तो दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक आरोपी डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यहाँ वजीरगंज में एक घटना रिपोर्ट हुई है, जिसमें एक एजेंसी में एक महिला डॉक्टर है, उनके परिजनों ने थाने पे एप्लीकेशन दिया है कि उनके द्वारा कोई जहरीला इंजेक्शन लगा लिया गया है और वो उनकी चिकित्सा KGMC में चल रही है, अंडर ट्रीटमेंट है। उसमें कुछ आरोप लगाए गए हैं। उस एप्लीकेशन के संबंध में थाना वजीरगंज पे FIR पंजीकृत की जा रही है और घटना की जांच प्रारंभ की जा रही है। सारे लोगों से जो भी संबंधित लोग हैं उनसे बातचीत, हमारी पूछताछ चल रही है और जो चीजें फैक्ट निकल करके आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपी डॉक्टर को जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई के आश्वासन तो दे रही है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि कब तक खाकी के हाथ आरोपी तक पहुँचते हैं। कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। BSP नेता और